अध्ययन, तो उसमें कहीं कहीं रुकावटें आती हैं। कार्य शक्ति में भी रुकावटें आ सकती हैं और कार्य प्रणाली में भी, मतलब कार्य करने के ढंग पर भी। जैसे कि कोई आदमी एक काम कर रहा है, हो सकता है कि उस काम करते करते उसके अंदर कोई भी चक्र का काम आ जाए। इसलिए सहयोग में मनन करना जरूरी। उसके लिए ये जरूरी नहीं मनन करने के लिए कि आप घंटों बैठे हैं, शाम को एक 10 बजे समझ लीजिए सोने से पहले आप 10 मिनट के लिए दादा से दादा थोड़ा सा मनन कर लें और सवेरे बाहर जाने से पहले आप मनन कर लें, तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकते। और पहले ये देख लेना चाहिए कि हमें कौन सा दोष है, अपने अंदर बहुत से दोष होते हैं और उनमें से कौन सा दोष है जिसके कारण हम नहीं चल पाते, जिसके कारण हम नहीं प्राप्त कर पाते, इसको बिल्कुल शांतिपूर्वक देखना चाहिए। अपने से नफरत करने की जरूरत नहीं, अपने से कुछ लाछन लगा लेते हैं। अब समझ लीजिए हमारी साड़ी में दाग पड़ गया, तो ठीक है ये दाग पड़ा हमें दिखाई दे रहा है, इसे अब साफ कर देना। कोई ये तो नहीं सोचते कि ये दाग पड़ गया तो बहुत खराब हो गया, कुछ भी नहीं, ये तो बाह्य की चीज है। तो जो कुछ भी दोष है वो सब अपने आप गिर जाते हैं अगर आप उनकी ओर देखें कि ये मैं नहीं, ये कोई और चीज। और इस तरह से जब ये दोष नष्ट हो जाते हैं तो आप एकदम शुद्ध स्वरूप होते हैं, शुद्ध आत्मा स्वरूप होते हैं। और यही स्थिति को प्राप्त करना और तब आप आनंद को प्राप्त। इस आनंद की हरेक अलग अलग अनुभूतियां आते भी रहती है और वो बुद्धि पर वो एक स्थिति हो जाती है जहाँ मनुष्य आनंद में ही जमा रहता है और सब चीज को देखता है एक नाटक जैसे। इसको कहते हैं साक्षी, साक्षी होकर हर एक चीज को देखते, अरे ये हो रहा है ठीक है, वो हो रहा है ठीक है, इसी चीज से वो विचलित है। जो श्री कृष्ण ने सीता प्रज्ञ की भाषा कही है वो ऐसे इंसान, और उन्होंने पहले ही कह दिया कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान का प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़िए, लेकिन उसका अर्थ यह है कि आप अपने अंदर फंसे हुए ये जो नस नस है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस पर इसका बोध होना चाहिए, इस पर जानना चाहिए। जैसे कि एक जानवर है उसको गंदगी का विचार नहीं होता, मनुष्य को गंदगी का विचार होता है। अब अगर मनुष्य जब कहे कि मैं जानवर हूं तो गलत बात, और जानवर कहे कि मैं मनुष्य हूं तो वो भी नहीं मानते। फर्क क्या है कि इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मनुष्य का, उसमें बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाएं आती हैं, बहुत जो जानवर में नहीं है। अब इससे ऊंची गति क्या होगी? ऊंची गति होगी कि जैसे एक कुत्ते से आपने ये फर्क है कि आप गंदगी जानते हैं, वैसे ही सूक्ष्म गति ये होती है कि आप जानते हैं ये पाप, ये बुरा है, इसको करने का। जो चीजें आपको सर्वनाश की तरफ ले जा रही है वो गलत है, क्योंकि आपकी स्थिति ऊंची होगी। आप एक महान स्थिति में आ गए हैं जिसमें से आपके अंदर ये संवेदन आया है, ये गलत, ये असहज है, इसको छोड़ो। वो अपने आप ही छूटता है, बुद्धि से नहीं छूटता है। यही फर्क है कि निरानंद में बुद्धि से नहीं छूटता है, वो निरानंद के ही आश्रय होता है। इसमें आनंद ही नहीं छोड़ो, इसमें वाइब्रेशन नहीं छोड़ो, जिसमें वाइब्रेशन नहीं वो चीज हमें चाहिए नहीं, ये बात आपके अंदर आने लगता है, क्योंकि उससे वो आनंद ही नहीं आता, इसलिए वो चीज आप छूटे भी नहीं और उसको मानते। इसके लिए कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, या बड़े वेद और ये और वो पढ़ने की कोई जरूरत, ये मनुष्य की एक स्थिति है। कोई वेद पढ़ के या कोई बाइबल पढ़ के तो हम इंसान नहीं हुए, एक अंदरूनी जो निसर्ग कहा इसको कहना चाहिए कुदरती तरीके से,
जो हमारे अंदर आज एक पुरुष की स्थिति है, वही कुदरती तौर पर ही फिर वो उच्च स्थिति हो सके, उसके लिए कोई भी आलोपण नहीं चाहिए, कोई आरोपण नहीं चाहिए। सीधे सीधे आप उस दशा में पहुंच सकते और उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपका हक, हरेक साधक का ये हक है और इसकी पूर्ति होने का यही समय है, और आप उसे सब लोग प्राप्त करके और भी जानिए कि आप क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने गौरवशाली हैं, आप कितने शक्तिशाली और आप कितने प्रेममय हैं। और सबसे बड़ी चीज आप जानिएगा, केवल सत्य क्या, केवल सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको कहते हैं। आज तक लोग जो है अपना अपना बनाया है, फिर पता हो जाता है उल्लू सत्य क्या है, जिससे चैतन्य आए वही सत्य है, बाकी सब असत्य। और ये सब चीज आ जाने के बाद धीरे धीरे आपको अपने ऊपर विश्वास होने लग जाता है और इस चैतन्य पर भी विश्वास होने लगता है, और इस प्रकार आपका जीवन एक दूसरे स्तर पे आ जाता है। बहुत से लोग इस कलयुग में इस स्थिति में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले इतनी उम्मीद नहीं करती थी, पर अब सोचती हूँ कि दूसरी दुनिया ही बन रही है, और उस दूसरी दुनिया में मनुष्य जब पहुंचेगा तब आपका समाज का तो कल्याण होगा, आपके घर का कल्याण होगा, आपके देश का कल्याण होगा, और सारे विश्व का कल्याण होगा। एक विशेष समय है और एक विशेष कार्य, इसमें आप सब सम्मिलित हुए, सब लोगों को इसमें आ जाना चाहिए, जितने लोगों को मिल जाए उनको आप जोड़ते चलिए और उनके प्रश्न सब हल हो जाए। इतना ही नहीं, वो समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के इस स्वरूप में हमें क्या होना है, क्या प्राप्त करना, हमारे जीवन का क्या आदर है, इसका उत्तर साइंस नहीं दे सकता, ये उत्तर आप प्राप्त करेंगे। और जब आपको अपने कार्य का लक्ष्य मालूम हो जाएगा तब आप देखिए कि आप आनंद विभोर हो जाए। नोएडा का ये देख करके मैं बड़ी ताकि में स्थित है, सोचती हूँ कि सर्ज के चमत्कारों में से ये भी एक बड़ा भारी चमत्कार, गांव में जाना और वहां सब लोगों को सत्य देना, ये भी बहुत बड़ा कार्य, और ये कार्य इतनी आसानी से हो रहा है, इतने प्रेम से हो रहा है, ये तो बड़ी भारी बात है। अब जो है आज इतना कहना है कि आप सबको अपने प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, अपने प्रति किसी तरह की ऐसी बात नहीं सोचना है कि अरे मैं क्या हूँ, मैं तो काफी हूँ, मैंने ये किया वो किया, क्योंकि रात दिन सब लोग आपको यही बताते रहते हैं कि तू बड़ा खराब है, तू ऐसा है, तू ऐसा, ये सब नहीं सोचना, ये सोचना है कि मैं मानव हूँ और मैं बड़ी ऊंची दशा में, अब मुझे इससे भी ऊंची दशा में जाना है, ये बड़ी गौरव की बात है आपके बारे में कि आप मानव हैं, और मानव को ही तो जागृति दे सकते हैं, जानवरों को तो नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि ये समा है, इस समा में आप पैदा हुए, वो भी इस योग भूमि में, इस भारतवर्ष में, जहाँ पे अनेक साधु संतों ने बहुत तपस्या की, इसलिए ये आपको बहुत आसानी से प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद यही सोचना है कि ये एक सामूहिक कार्य, सामूहिक कार्य जब तक आपके नहीं होगा, तब तक आप सामूहिकता में नहीं आएंगे, आप बढ़ेंगे नहीं, आपने किसी भी तरह से प्रगति नहीं होगी, आप जहां के तहां रहते हैं। इसलिए एक ऐसा अपने मन में विचार रखे कि क्या एक बीज अंकुरित होने के बाद ऐसे ही फेंक दिया गया, या उसको एक वृक्ष में रूपांतरित कर सकते हैं,
उसको एक बड़ा भारी पेड़ बना सकते हैं तो क्यों न बनाए, और आसानी से सहज सरल उसके लिए कोई पैसा नहीं फेंकना, उसके लिए कोई सर के बल नहीं दौड़ना, सिर्फ सामूहिक में आना। जैसे कि हमारा एक नागपुर कहीं लड़की गई तो क्या वो पढ़ेगा, जब तक उसका शरीर से संबंध नहीं होगा वो पढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार ये एक सामूहिक जीवन संस्था है और उसमें आपको सामूहिकता में आना चाहिए। उसे देखिए, आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानी सब दूर हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं। बस अपने ऊपर विश्वास रखें और जानिए कि आज आप सबको आपको साक्षात्कार मिलने वाला है। पहले तो जागृति होगी और आपके कानों से ठंडी हवा आएगी, गर्म आए और आपके हाथ में भी पहली मरतबा ठंडी ठंडी ऐसी हवा लहरें आएगी जो कि ये परम चैतन्य है, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये कैसे हमें प्राप्त। लेकिन इसमें एक ही बात है कि मैं इसकी जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर आप इसे नहीं चाहते तो आपके लिए बेहतर है कि आप चले जाएं, और जिनको इसकी जरूरत है और जो इसे चाहते सर आपको, उनके लिए सारी सृष्टि तैयार बैठी हुई है। चैतन्य की सृष्टि आपको पार करा। आप लोग तो बहुत आसान है, परदेश में बहुत तकलीफ होती है, यहाँ तो बहुत आसानी से लोग सब पार हो जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं है। तो अगर आप में से कोई जाना चाहे बाहर, कोई अगर जाना चाहे तो चले, इसमें ज्यादा 5-10 मिनट लगे, बस 5-10 मिनट। और आप सब विश्वास रखें कि आप सबको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अपने भूतकाल को, अपने गए बीते दिनों को एकदम भूल जाइए, और अगला दिन तो है ही नहीं स्वतंत्र, आपको वर्तमान में आना है। इसलिए कृपया आप भूल जाए, उसकी सोचिए नहीं, कोई सा भी मंत्र न कहें, कुछ न कहें, और अपने विचारों को भी रोकिए, अपने आप को ही सारा कार्य करिए। वो आपकी माँ है, सबकी अलग अलग माँ है, और वो आपके बारे में आपके पूर्वजन्म से लेकर के आज सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप किसी भी तरह से अपने में कोई दोष न देखें, अपनी बुराइयां न देखें, और अपने ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास करके और आपको साक्षात्कार हो पाए। आप सब लोग तशरीफ रखिए, मैं जाए तो अच्छा रहेगा, कहीं भी बैठ जाइए आगे पीछे, इतनी सीट है। कहीं भी बैठ जाए, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों हाथ आप मेरी तरफ इस तरह से करें,
और अपनी आंखें बंद करें, चश्मा भी उतार लें, तब तक मैं न कहूं आंखें न खोली, दोनों हाथ मेरे तरफ इस तरह से ऊपर उठाए, आप
बताओ जिस चीज के उंगलियों में या हाथों में या तालू से ठंडी या गर्म हवाएं आई हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें और जो उस वर्क बिल्कुल प्लीज प्लीज आप सब साधुओं को मेरा नमस्कार।